हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे होस्ट या होस्टेस के जॉब के बारे में कि इसमें आपको क्या क्या करना पड़ सकता है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, एक डे टू डे बेसिस पे क्या आपकी ड्यूटीज होंगी, इन सब के बारे में बात करेंगे हम आज के इस वीडियो में। अगर आप ऐसे ही और जॉब प्रोफाइल्स के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक होस्ट और होस्टेस का काम क्या होगा। तो सबसे जो पहला काम है कि अगर वो किसी रेस्टोरेंट में है या किसी होटल में है, जैसे होटल में भी आप देखें जो डाइनिंग एरिया होता है वहाँ पे भी आप जब भी वहाँ पे जैसे ब्रेकफास्ट के लिए लंच के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कोई होस्ट या होस्टेस खड़े होते हैं जो आपको ग्रीट करते हैं। तो एज अ होस्ट एंड होस्टेस आपका काम ये होगा कि आप जो भी आपके कस्टमर वहाँ आ रहे हैं उनको आप पहले तो ग्रीट करेंगे, उसके बाद आप उनको जो अगर वहाँ पे कोई वेट टाइम है कि पूरा जो एरिया है जहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं लोग वो अगर पूरा फुल है तो आप उनको वेट टाइम बताएंगे कि कितना अप्रॉक्सीमेट वेट करना पड़ सकता है। अगर वहाँ पे कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे आपके जो गेस्ट हैं वो वेट कर सकते हैं तो आप उनको वहाँ पे बता देंगे कि आप बैठ के अगर वेट टाइम है तो वहाँ पे वो वेट कर सकते हैं। उसके बाद जब अगर लेट्स से कि वहाँ कोई वेट टाइम नहीं है तो आप सीधे जो आपके गेस्ट हैं उनको जिस भी टेबल को आपको पता है कि खाली है या आपके गेस्ट ने उस टेबल को पहले से रिजर्व किया है तो आप उनको वहाँ पे ले जाके बिठाएंगे। अब ये जरूरी ही नहीं है कि आप एक रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं तो आप यू नो डाइनिंग एरिया में लेके जा रहे हैं, इसके अलावा आप बार में भी काम कर सकते हैं तो आप बार एरिया में भी अपने गेस्ट को लेके जाके वहां पे सीटेड करवाएंगे। इस रोल में आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए क्योंकि आपको जो भी पूरा ये जो प्रोसेस है अपने जो गेस्ट से उनको ग्रीट करने का या अगर कोई वेट टाइम है उसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि आप एक ऐसे इंडिविजुअल होंगे जो अपने गेस्ट को ग्रीट करेंगे सबसे पहले और एंड में भी आप ही उनसे इंटरेक्ट करेंगे। तो इसलिए आपका ऑर्गेनाइज्ड होना, आपको पूरा प्रोसेस स्मूथली चलाना वो आना चाहिए। इसमें आपके पास पीपल स्किल्स जो हैं वो भी बहुत जरूरी होंगे होना, क्योंकि आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं और आप जितना ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन करेंगे अपने गेस्ट के साथ उतना ही अच्छा उनका जो एक्सपीरियंस होगा वो आप दे पाएंगे। एक होस्ट एंड होस्टेस का काम एक ऐसा होता है कि हो सकता है वहाँ पे आपको शिफ्ट वर्क भी करना पड़े, हो सकता है आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे सुबह से लेके रात तक वहाँ पे जो डाइनिंग एरिया है या बार है, अब बार्स हो सकते हैं कि रात में भी खुले हुए हों, तो आपको अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा कि बेस्ड ऑन आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे शिफ्ट काम भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली जो आपका काम होगा वो ये होगा कि आप एक एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस दे पाए अपने गेस्ट को या अपने जो कस्टमर्स हैं उनको, और आप एक अच्छा बहुत प्लेजेंट जो एक्सपीरियंस है वो आपके गेस्ट को दे पाए। क्योंकि याद रखिए, आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो फर्स्ट एंड लास्ट इम्प्रेशन बनाएगा अपने गेस्ट के ऊपर और उनको एट ईज करेगा, क्योंकि वो जैसे आएंगे तो आपका ये काम है कि आप इस तरीके से उनसे बात करें कि वो वेलकम फील करें। इसके अलावा आप उनको अगर वेट टाइम है तो ऐसा नहीं कि आप बोल दें बस कि 10 मिनट लगेगा और हो गया आपका काम खत्म। तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी एज अ होस्ट और होस्टेस, उसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी कि जो भी वेन्यू है या बार है या रेस्टोरेंट है जैसे हम लोगों ने बात की, वहां पे अपने जो गेस्ट है उनको वेलकम करना आपका काम होगा। आप जो अपने गेस्ट आए हैं उनको एक्यूरेट वेट टाइम बताएंगे और मॉनिटर करेंगे वेट लिस्ट को भी, या जैसे जैसे वेट जो है वो खत्म हो चुका है आप डायरेक्टली किसी गेस्ट को ले जा सकते हैं उस एरिया में जो डाइनिंग एरिया है, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा और हमेशा अपने आप को अप टू डेट करते रहना पड़ेगा कि क्या वेट टाइम है या फिर जो गेस्ट लिस्ट है अगर रिजर्व्ड है कुछ ऐसी टेबल्स हैं तो आप सीधे जाके उनको एस्कॉर्ट करके लेके जाएंगे। जो भी आपके गेस्ट हैं आप उनको जो उनकी असाइंड वेटरेस हैं
या वेटर्स हैं, आप उनके बारे में बताएंगे, आप इंट्रोड्यूस करेंगे कि आज आपको ये सर्व करेंगे। जो भी वेट स्टाफ है उसके साथ आप साथ मिलके काम करेंगे, क्योंकि उनको एग्जैक्टली पता होता है कि कहाँ पे बिठा सकते हैं, तो आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे। जो रिसेप्शन एरिया होगा आप उसको बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करके उसको मेंटेन करके रखेंगे। तो हो सकता है कि कुछ गेस्ट वहाँ पहले से वेट कर रहे हों, उन्होंने पानी पिया या उन्होंने मैगजीन्स पढ़ी, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा इधर से उधर अगर हो गया हो, तो ये आपका काम होगा कि आप ये मेक श्योर करें कि वो जो रिसेप्शन एरिया है या जो वेटिंग एरिया है वहाँ पे क्लीनलीनेस मेंटेन रहे। अब हो सकता है कि आपको बहुत सारे कॉल्स भी आए, क्योंकि कुछ लोग बुकिंग करवा देंगे पहले से, कुछ लोग एड्रेस जानना चाहेंगे, तो ये सारे जो कॉल्स हैं आपके पास आएंगे, तो आपको उन कॉल्स को भी अटेंड करना होगा। अगर कभी ऐसा है कि वेट स्टाफ को आपकी जरूरत पड़ रही है या बहुत सारे इतने ज्यादा गेस्ट आ गए हैं कि वहां पे और हेल्पिंग हैंड्स की जरूरत है, तो आप उनको भी हेल्प करेंगे। होस्ट या होस्टेस जॉब करने के लिए सबसे पहले तो एटिकेट्स का आना, लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से कम्युनिकेशन अच्छे से होना चाहिए जिससे कि अच्छा इम्प्रेशन पड़े, पीपल स्किल्स हैं वो आप में होने चाहिए। प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है वो इसमें आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से एक वर्किंग नॉलेज है वो आपको काम करने से ही आएगी। आपको फैमिलियर होना पड़ेगा जो हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना पड़ेगा। कस्टमर सर्विस स्किल्स जो है वो इस जॉब में बहुत काम आएंगे, वो दोनों तरीके से कि आप इन पर्सन भी लोगों से बात कर रहे हैं, और इसके अलावा जो फोन कॉल्स आएंगे आप उनको भी अटेंड कर रहे हैं, उन पे भी एक अच्छा इम्प्रेशन डालना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी ये है कि जब कोई आपके गेस्ट आप रिसीव कर रहे हैं उनके साथ आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, तो सेम तरीके से आपको फोन पे भी अच्छे कस्टमर सर्विस जो स्किल्स हैं उनके साथ ही बात करनी है। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स की जो हमने बात की थी उनका होना इस जॉब में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब कुछ आपको ऑर्गेनाइज्ड करते रहना है। जब आप गेस्ट को रिसीव कर रहे हैं, उनको वेट टाइम बता रहे हैं, इसके साथ साथ आपको देखना है कि सब स्मूथली हो रहा है, कि जो वेटर या वेटरेस आपने असाइन किए हैं वो अच्छे से लुक आफ्टर कर रहे हैं कि नहीं गेस्ट को, या फिर कितनी जो डाइनिंग एरिया में कितनी खाली जगह बची है कि आप तुरंत ही जैसे कोई आए असाइन कर दें, कोई रिजर्व्ड सीट्स पे ना बैठ जाए, तो ये सब ऑर्गेनाइज्ड वे में करना भी आपको बहुत अच्छे से आना पड़ेगा। अभी जो सारा काम आप एक दिन में करेंगे वो मोस्ट ऑफ द टाइम आप खड़े होके करेंगे, तो आपकी जो फिजिकल फिटनेस है यह हेल्थ कंडीशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक प्लेजेंट पर्सनालिटी होनी चाहिए, फेस पे हमेशा ही एक मुस्कान रहनी चाहिए, ऐसा लगे लोगों को देख के कि हाँ वो वेलकम हो रहे हैं जहाँ पे भी वो आ रहे हैं, तो एक ऐसी प्लीजिंग जो पर्सनालिटी है जो देख के ही लोगों को बड़ा अच्छा लगे कि हाँ कितने अच्छे से हमको ग्रीट करा, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस ओवरऑल एक्सपीरियंस में बहुत ऐड करता है। इस जॉब को आप शुरू कर सकते हैं अगर आपके पास कोई हाई स्कूल डिप्लोमा है, पर उसके साथ साथ हॉस्पिटैलिटी में अगर आप कोई सर्टिफिकेशन कर लेंगे तो वो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपको उसमें एक तरीके से बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको काम करना है, तो वो एक जो है वो प्री रिक्विजिट होगा, या फिर वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेगा। उसके बाद जब आप काम करेंगे, वर्क एक्सपीरियंस तो एक ऐसा है, जब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आप करेंगे काम का तब बहुत अच्छे से आपको आ पाएगा। तो आज हमने बात करी होस्ट या होस्टेस के जॉब के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके अगर कुछ कॉमेंट्स हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।